वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया तो जो शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा समझ के चल सकता हूँ कि मेरा आवाज़ बराबर प्रॉपरली आ रहा होगा। ईयरफोन लगा रखा है तो उसका माइक थोड़ा मेरे मुंह के थोड़े दूर है, तो आई होप कि मैं सही से मेरी आवाज़ आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आईडी चेक करो, आईडी चेक करो। सुबह तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया, परफेक्ट टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अलायंस वालों की चेक कर लेते। तो अभी शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं, 7 बजे 8 बजे तक ख़त्म कर दूँगा मैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। हमने लॉगिन वाइस दिखा लिया है, अभी लॉगिन वाइस देख लेते एक बार। 17 दिन का ऑफलाइन अलायंस कॉन्क्वेस्ट चल रहा है, इसलिए किक नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अगले आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुछ दिखता है इस तरीके से, फर्स्ट प्लेयर का, मेरे अलायंस में का प्लेयर का ये अपग्रेड। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कॉमिक कार्ड में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, देख के ही पता चल रहा है। काफ़ी सारे Tier 3 कैरेक्टर है, उसमें सेंट्री भी है, वोल्वरिन Tier 2 है, 4-5 कैरेक्टर है Tier 3, कैप्टन अमेरिका, शॉनरस, स्टार लॉर्ड, ब्लैक विडो। रिफाइनमेंट दिया हुआ है ओब्लिस्क। ये महान काम करने को किसने बोला था? समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय, क्या हुआ? क्या यार, इधर एनर्जी देना चाहिए था। चलो ठीक है, न्यू प्लेयर है, मिस्टेक होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मिस्टेक को सुधार लेना और गलत कैरेक्टर को गलत सिटी भी देना बंद कर देना। कार्तिक गेमर 90 126, अगर आईडी चेक के लिए तुमने अपनी कमेंट सेक्शन में अगर नाम दिया था तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ मैं अलायंस में, ठीक है? तो चेक हो गया ऐसा समझ के चलना। तो यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, जितने बोनस है वो उतने काफ़ी नहीं है, और इंक्रीज करना पड़ेगा। फोकस करने में हेल्प होती है, तुम्हें अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। एक भी Tier 3 कैरेक्टर नहीं है, पेड कैरेक्टर लाने के चक्कर में कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ है, 19-20 हुआ है। बाकी जो पुराने कैरेक्टर हैं उनके कुछ कुछ कैरेक्टर के यूनिफॉर्म है, कुछ कैरेक्टर के यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ इपिक्वास वाले कैरेक्टर के ऊपर में अभी भी वर्क बाकी है। बाकी जो कैरेक्टर्स है जैसे 6-स्टार हल्क बस्टर है, विजन है, या जो भी नाम है इसका, मिनर्वा, हल्क बस्टर, इन सब का कैरेक्टर का जो लेवल है वो 50-60 करो तो तुमको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर 50-60 करते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा तो काफ़ी सारे नए कैरेक्टर के यूनिफॉर्म परचेस कर सकते हो, फिर गेम प्ले इम्प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे एडवाइस ध्यान में रखना, और जब भी गेम में ऑनलाइन आओ ये काम ज़रूर कर लेना, 50-60 कर लेना कैरेक्टर को। उसके बाद में अगला, इस तरफ में कॉमिक कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरफ में आगे जाए तो हम लोग सिर्फ एक ही Tier 3 कैरेक्टर है, वो है साइक्लॉप। साइक्लॉप को गलत सिटी भी दे दिया, यहाँ पर मैं साइक्लॉप को कुछ और देते तो बेटर रहता, ओब्लिक भी देते तो भी बेटर रहता। ये वाला जो CTP है ये साइक्लॉप को देने की ज़रूरत नहीं थी। CTP वाला वीडियो नहीं देखाऊंगा तो जाके चेक करो, कुछ लोग मिसलीड करते मैं गलत वीडियो बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ वैसा बनाता हूँ, बोल बोल के सबका ध्यान कहीं और लेके गए हैं। तो कृपया करके वीडियो जाके देख लो, बहुत काम की चीज़ है। शिरोंग को एनर्जी देना चाहिए था, एनर्जी नहीं दिया, ऑब्लिस दिया हुआ है। न्यू प्लेयर हो, इतने सारे सिटी में मिलना पॉसिबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, कोशिश नहीं करूँगा तो कैरेक्टर अपग्रेड कैसा होगा? और बहुत से इम्प्रूवमेंट बाकी है। सीवियर 07, संदीप गधावे, मेरे का से आईडी चेक किया है मैंने, रिजनरेशन अथॉरिटी ऑब्लिस्क थानोस, थाने थेन जो भी नाम है इसका, बेटरेबल एनर्जी, आरएमएन को अभी और देखेंगे, आरएमएन का अपडेट आने के बाद में क्या होता है। मेरा आवाज़ क्यों ऐसा बट रहा है जगह जगह पे? ठीक है, अब थोड़ा सा फ्री हो के बात करते हैं। इसको भी डैमेज प्रॉक देना चाहिए था, काफ़ी अच्छा काम कर लेता। ऑब्लिस में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
न्यू प्लेयर हो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें चेंजेस करने में, कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को भी अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस तरीके से ही मेरे अकाउंट होते थे। उस टाइम पे तो मेरे पास में टीयर टू कैरेक्टर ही बहुत गिने चुने होते थे, मतलब बायोमेट्रिक्स ही हासिल करना बड़ा टफ चैलेंज था। बहुत पुरानी साल की बात कर रहा हूँ मैं, 4-5 साल पुरानी बात। तो उतने टाइम पे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, कैरेक्टर का ये लाओ, कैरेक्टर का वो लाओ, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी तो उतना गेम आसान हो गया है, लेकिन आसान होने के साथ साथ नए नए लेवल आ गए हैं, टीयर 3 अवेकन, उसके बाद में दुनिया भर के और ABCDXYZ। आगे साहिल चेरी का यहाँ पर मैं एक ही प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, बाकी और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। मैक्स HP कम है, फिजिकल अटैक भी कम है, एनर्जी अटैक भी कम है, इग्नो डिफेंस भी कम है, कूलडाउन ड्यूरेशन भी कम है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फोकस करने में हेल्प तुम्हें अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। ओब्लिस्क में डैमेज प्रॉक, ओब्लिस्क में डैमेज प्रॉक ठीक है, चल जाएगा। CTP एनर्जी 180 का प्रॉक, ओवरड्राइव ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद में एंग्रा फॉल्क ओब्लिस्क ठीक है, ये भी ठीक है। जजमेंट दिया ठीक है। इस तरफ में सेंट्री मेड्यूसा को 200% का प्रॉक, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेब इफेक्ट है, आई नो अंडरस्टैंड, वेब इफेक्ट के जगह पे गार्ड भी कम्युनिटी होता तो और ज़्यादा मेड्यूसा स्ट्रांग हो जाती, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक नया वाला ऑब्लिस्क नहीं मिल जाता तब तक उसका काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ये दिक्कत है, वो ये है कि मेड्यूसा को थोड़ा ऑब्लिस्क के साथ में यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हार्ड रहेगा। सिल्वर सर्फ को रिजनरेशन, डॉक्टर शंश को खाली, रॉक को ऑब्लिस्क चढ़ाया हुआ है जिसके अंदर में 180 का प्रॉक है, चल जाएगा। बस थोड़ा सा रॉक को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं दिया हुआ है मैनिपुलेट डेंसिटी का ISOT बोनस दे रखा है, जिसमें 3 ISOT, 8 ISOT HP वाले लगा रखे हैं, जिससे हेल्थ पावर यहाँ पर बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं हेल्थ पावर जो है हल्क की 50,000 के आसपास में है। क्या बात है, उरू चढ़ाओगे ना तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा है आइडिया, बुरा नहीं है वैसे, देखा जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जाके हल्का अगर कोई और यूनिफॉर्म आता है जो उसके फिजिकल अटैक पे बेस हो जाएगा, तो फिर ऐसे जो उरूर तुमने लगाए, ISOT तुमने लगाए, वो जाएंगे पानी में। तो इसलिए मैंने ना बहुत सोच समझ के बेसिक से बेसिक रखने की कोशिश किया है, ज़्यादा ओवर पावर नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं। कंडीशन वाइज गेंडलों पर दोगले है, कभी भी कोई भी चाल चल सकते, कोई भी चेंजेस कर सकते, कोई भरोसा नहीं इनका। इसलिए मैं किसी भी कैरेक्टर को उसके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख के सोच के करता हूँ। ज़्यादातर मैं कैरेक्टर अपग्रेड लॉन्ग टर्म के देख के रखता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता। एकदम सॉलिड पॉइंट निकाला, ठीक है। और भी कैरेक्टर पेंडिंग है, करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। बहुत हार्ड है भाई। उसके बाद में अगला है नोवा विष्णु, एक ही प्रीमियम कॉमिक कार्ड, बाकी कॉमिक कार्ड नॉर्मल है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन काफ़ी सारे TIE3 कैरेक्टर है। काफ़ी कमाल की बात है कि इतने सारे TIE3 कैरेक्टर है, वो भी अच्छे CTP के साथ। क्या बात है, अरे वाह। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि सिल्वर सर्फर को लोग CTP ऑफ ग्रिड दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो मेरा पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं 150 का डैमेज प्रॉक स्पीड टाइप यूनिवर्सल टाइप के अगेंस्ट में है, और दूसरा 150 का प्रॉक अगेन कॉम्बैट और ब्लास्ट के अगेंस्ट में है, और 10% का रिकवरी प्लस गार्ड विक इम्यूनिटी। हो सकता है इस रीज़न के वजह से लोग CTP ऑफ ग्रिड सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर के ऊपर में लगा रहे हैं। अब क्या पता सही है कि गलत है, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। मैं कुछ इसके ऊपर में कमेंट नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर मैं देना चाहता CTP ग्रिड, इसको ज़रूरत थी, जैन को थी। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ड्रामेबाजी में ऐसा ही होता है। जजमेंट, उसके बाद में डिस्ट्रक्शन दिया है, हल्क को क्या दिया है, यहाँ पर मैं रिफाइनमेंट या रिजनरेशन चाहिए था, मिल जाएगा तो दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक मैक्स एचपी ऑब्लिस्क अगर मिलता हो वैसा वाला तो ज़रूर सेट कर सकते हो, या गार्ड बैक इम्यूनिटी प्लस HP वो भी चल जाएगा हल्क के लिए। इस तरफ में 180 का प्रॉक है CTP एनर्जी के साथ में, बाकी चीज़ें सही दी है, हाँ लगभग सही दी है, अच्छी है। इस तरफ में स्टार लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड को ट्रांसेंडेंस दे दिया, गलत किया। कहाँ मार दिया जानू,
होने वाले बच्चों का तो ख्याल किया होता। इस तरफ में सीटीपी एनर्जी, इस तरफ में क्या दिया, लूना स्नो को रेज, कैप्टन मार्वल को ऑब्लिस्क, सेंट्री खाली, बाकी कैरेक्टर अपग्रेड पेंडिंग है। ठीक है, अच्छा है। योग जी, योगा जी होता तो ज़्यादा बेटर लगता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रखा है वो नाम, वो इम्पोर्टेंट है। एक है केबल का यूनिफॉर्म, अपना कॉमिक कार्ड जो कि काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार टीयर थ्री कैरेक्टर, स्कारलेट विच, अपना कैप्टन, आयरन मैन और स्टार लॉर्ड। अब देखते हैं अपग्रेड क्या है। सिटी पे एनर्जी डाल रखा है, कम डैमेज प्रॉक बहुत कम है, 140 का है। उसको अपग्रेड करो 200 तक या 180 तक लाने की कोशिश करो। सिटी पर आप डिस्ट्रक्शन दे रखा है आर एम एन को, गलत कैरेक्टर को गलत सिटी भी दिया। अभी आर एम एन का अपडेट आने वाला है तो देखते हैं उसके ऊपर मैं कौन सा सिटी पर सूट होगा। मैं डेफिनेटली श्योर होकर बोलता हूँ आर एम एन के ऊपर मैं लोग सिटी पर रेज चढ़ाएंगे। देख लेना, देख लेना, सब लोग को एक ही चीज़ की फिक्र है, सिटी पर रेज चढ़ाना है, कैरेक्टर पर कैरेक्टर को ओपी बनाना है, बस फेंका फेंकी करनी है, भले वो फ्यूचर में काम आए ना आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस सभी कैरेक्टर के ऊपर मैं सिटी पर रेज लगाना है, यही है सबका मोटिव। जानते सब लोग चूना लगाने का काम करते हैं, आजकल मैं चूना लगा के पे लोगों पे भरोसा नहीं करता। जिसके पास में जैसी कंडीशन है, जिस जो अपग्रेड होगा वैसा वाला देके चला सकते हैं, लेकिन गलत कैरेक्टर को गलत सिटी में मत देना, अगेन रिपीट। उससे ऐसा होता है देने के बाद में 300 क्रिस्टल जाते हैं निकालने में अगर डिस्काउंट रहा तो, और विदाउट डिस्काउंट के 600 क्रिस्टल जाते हैं सिटी भी रिमूव करने के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती मत करना, एक बार गलती कर दी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो मैं कॉमिक कार्ड के बारे में बोलना भूल ही गया। यहाँ पर मैं चार प्रीमियम कॉमिक कार्ड है जिसमें काफ़ी अच्छे बोनस है, 35% का ऑल अटैक है, कूलडाउन ड्यूरेशन 22 है, मैक्स एचपी 17 है, बाकी की चीज़ें हैं लेकिन क्रिटिकल रेट नहीं है। तो कॉमिक कार्ड क्राफ्ट कर सकते हो, उसको काफ़ी ज़्यादा बोनस मिल जाएंगे, बाकी भी तुम्हारी चॉइस, करना है नहीं करना। उसके बाद में 140 का प्रॉक दिया हुआ है सेंट्री को, ओडिंग को रेज दिया हुआ है, सिल्वर सर्फर को अथॉरिटी, थानोस को रीजनरेशन, जेन को ग्रीड है, साइक्लॉप को इनसाइट है, वेरी गुड। उसके बाद में स्टॉर्म को ऑब्लिस्क है, ये भी अच्छा है, कैप्टन को ऑब्लिस्क दिया हुआ है, और इस तरफ में शेरोंग को एनर्जी है 200% के प्रॉक के साथ में, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा अपग्रेड दिया हुआ है। उरू और आईएसओट भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, थोड़े थोड़े कुछ कुछ मास्टरी बाकी है लेकिन ठीक है, चल जाएगा, गुड। उसके बाद में इस तरफ में ऑब्लिस्क है, ब्लैक रो को क्या दिया, डिस्ट्रक्शन दे रखा है। इस तरफ में कैप्टन मार्वल को दे रखा है ऑब्लिस्क। उसके बाद में यहाँ पर मैं 160 का प्रॉक थॉर को, और भाई साहब के पास में नल है, नल को सत प्रणाम, पाए लगू नल बाबा जी। उसके बाद में एनर्जी बेटारेबल को, उसके बाद में मून नाइट को एनर्जी, मिस्टिक को रेज दिया हुआ है, अमिडस शो को ऑब्लिस दिया हुआ है। देखो मैं सीधी सीधी बात बता दें, एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी महीनों पहले अमिडस शो का यूनिफॉर्म आया था, बहुत उड़ रहे थे अमिडस शो ओपी। उसके बाद में मून नाइट आया, बेचारे अमिडस शो को कोई पूछ भी नहीं रहा, ये ऐसा ही होता है, इसको बोलते ट्रेंडिंग। और मैं कभी भी ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं चलता, मैं मेरे को देखना पड़ता है क्या सही रहेगा, क्या शॉर्ट टर्म के लिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, उसके हिसाब से मैं कैरेक्टर चूज़ करता हूँ। अगर मैं पुराने अपडेट को लेके चलता जिसमें आयरन मैन, एंटमैन, टीयर थ्री हो रहे थे, अगर वो मैं कर लेता तो शायद आज मेरे लिए वो लॉसफुल होता, लेकिन आज मैंने उसको टीयर थ्री नहीं किया, जिस वजह से आज मेरे को बेनिफिट है कि मैं कई सारे कैरेक्टर, अच्छे अच्छे कैरेक्टर चूज़ कर सकता हूँ, वो भी 1600 सी सब लेने वाले कैरेक्टर। तो सोच समझ के आराम से शांति से लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो काफ़ी अच्छे डिसीजन लेने में मदद होती है, बाकी भी तुम्हारी चॉइस। मेडुसा है, इस तरफ में केबल है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है तुम्हारे पास में, करो धीरे धीरे अपग्रेड। उसके बाद में सौरदीप घोष, एक केबल का प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, बाकी के कॉमिक कार्ड में अपग्रेड की ज़रूरत है, कुछ कॉमिक कार्ड हटाने पड़ेंगे, कुछ प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाने पड़ेंगे। GBR से डेली का प्रीमियम कॉमिक कार्ड टोकन कलेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉमिक कार्ड कलेक्ट कर सकते हो, तो मुझे इस बारे में कोई भी और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, बाकी फिर तुम लोग, तुम्हारे यहाँ पे मॉल अटैक 44 है, एनर्जी अटैक का 22 है, फिजिकल अटैक का अपना 12 है, उसके बाद में क्रिटिकल डैमेज 9 है, क्रिटिकल 5.7, अटैक स्पीड 10, मैक्स एचपी 9, और भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्विकसिल्वर को और एनर्जी दिया हुआ है, सीटीपी ग्रिड दे रखा है सिल्वर सर्फर को, गलती कर दी, जिनको देना चाहिए था, जिन नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन और एक एक ग्रिड मिलेगा तो जिनको देना। उसके बाद में अथॉरिटीज थानोस को दे रखा है और हल्क को दे रखा है मैक्सिच का ऑब्लिस्क, ठीक है, चल जाएगा, नॉट बैड। उसके बाद में कैप्टन को दे रखा है ऑब्लिस्क, आर एम एन को दे रखा है इनसाइट, इनसाइट नहीं देना है आर एम एन को, आर एम एन का अपडेट आएगा
तो उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है आरामिन के साथ में। तो ऐसा वाला कांड नहीं करना का मेरा भाई, गलत कार्य को गलत सिटी पे दे देते तो बाद में फिर उसको निकालने के लिए क्रिस्टल वेस्ट करते रहते हो, तो ऐसा कांड नहीं करने का मेरा भाई। डोरमामू को दिया है ओब्लिस्क, शेरोंग को अभी तक सिटी पे एनर्जी नहीं दिया, आईसोड भी अपग्रेड नहीं किया, और बहुत काम करना पड़ेगा अगर तुमको वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट नल और सेंट्री सॉरी नल और मेफिस्टो जैसे स्टेजेस अगर क्लियर करने हैं, तो शेरोंग जैसे कैरेक्टर को पावरफुल करके रखना पड़ेगा, टीयर 3 बना के रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा गेम प्ले और ज़्यादा बेटर होगा। तो शेरोंग जैसे कैरेक्टर को टीयर 3 करो। बड़े काम के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, इससे बड़ा दिमाग, ठीक है। बाकी और नीचे कैरेक्टर है उनको भी टीयर 3 करना है, टीयर 2 करना और अपग्रेड करना धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होने वाले, टाइम लगेगा इसके लिए। उसके बाद में अपना क्या नाम है इसका, रोहन सीके 533, चलो चेक कर लेते एक बार में। प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, लगभग 4 प्रीमियम कॉमिक कार्ड है। इफेक्ट की बात करूँ तो कुछ इफेक्ट है कुछ इफेक्ट नहीं है, और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। स्किल कूलडाउन ड्यूरेशन 37% का है जो कि बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसको थोड़ा कम कर लेना। इस तरफ में हल्क है रीजनरेशन के साथ में, उसके बाद में यहाँ पर में एनर्जी, इस तरफ में डिस्ट्रक्शन दे रखा है, इस तरफ में ब्लैक विडो का ऑब्लिस्क है, उसके अंदर में बहुत छोटा वाला ऑब्लिस्क है, मतलब डैमेज प्रॉक है 120 का, 120 का उसको चेंजेस करके उसको 180 या 200% का लाने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी भी तुम्हारी चॉइस। उसके बाद में है सिटी पी ऑफ रेज, थॉर को सेट्री को खाली, मिस्टिक को क्या दे रखा है ऑब्लिस्क, मूननाइट को एनर्जी देना चाहिए था लेकिन ऑब्लिस्क है तो काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा यूज़ करने में। बेटा रेबल को ऑब्लिस्क है, सिटी पी एनर्जी आएगा तो बेटा रेबल को चढ़ाने की कोशिश करना अगर एक्स्ट्रा आता है तो। मेरे को मालूम है सिटी पी एनर्जी में मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन न्यू प्लेयर्स के लिए क्या बोल सकता हूँ। और आगे और भी बहुत से कैरेक्टर है पेंडिंग अभी भी, फोकस करने में हेल्प होती है, तुम्हें अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। तेजा ट्रिपल एस कॉमिक कार्ड में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑल अटैक भी काफ़ी कम है, मैक्स एचपी और बाकी सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कम है, तो और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाना, उसको कंबाइन करके वहाँ पर सेट करने की कोशिश करना। अगला मैं बोल रहा था साइक्लॉप, साइक्लॉप को क्या दे रखा है ओब्लिस्क, हल्क को क्या दे रखा है ओब्लिस्क, शेरोंग को दे रखा है एनर्जी, आरएम को ओब्लिस्क, स्टार लॉर्ड को ट्रांसेंडेंस। ये लोग ये वाली गलती क्यों कर रहे हैं यार, एक ही चीज़ बार बार क्यों कर रहे हैं, वाय ऐसा ही करते रहोगे तो होगा नुकसान, फिर उसकी भरपाई करने के लिए तुमको देना पड़ेगा क्रिस्टल, बड़ा लॉस वाला काम है। आगे बात कर रहा था मैं कैप्टन मार्वल को दे रखा है ओब्लिस्क, जिसके अंदर में कुछ भी नहीं है, अपग्रेड चेंजेस करो थोड़ा थोड़ा करो, मेरे को मालूम है इतना आसान से आसान नहीं है ओब्लिस्क में डैमेज प्रॉक को लाना, उसको कंबाइन करके देना, और हम जो डैमेज प्रॉक चाहते हैं वही एग्जैक्टली आएगा, इसका भी कोई फिक्स नहीं दिया, वो भी आरएनजी के ऊपर में बेस है, तो गेम के अंदर में थोड़ा आरएनजी कम हो जाए तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो सकती है, पर गेम डेवलपर को समझ में आए तब ना। क्विक सिल्वर का ऑब्लिस्क है, रॉक का ऑब्लिस्क है, बाकी सब कैरेक्टर अपग्रेड के लिए पेंडिंग है, फोकस करने में हेल्प होती है, तुम्हें अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। मार्लिन वन कितने, 2 प्रीमियम कॉमिक कार्ड है जो कि थॉर के है, उसके अंदर के जो बोनसेस है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल अटैक नहीं है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, ये प्रीमियम कॉमिक कार्ड मैंने भी लगाए थे एक टाइम पे, तो ये सब चीज़ें तो मैं भी जानता हूँ कि ये सब इंप्रूवमेंट करना आसान नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो करना तो पड़ेगा। उसके बाद में अगला मैं बात कर रहा था यहाँ पर मैं ओडिन बाबा है, सिटी पेरेज के साथ में सिल्वर सर्फर है, थानोस है, इस तरफ में जेन है और डेडपूल है, काफ़ी अच्छे अच्छे सिटी पे दिया है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर को, वेरी गुड। स्टार लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड को कुछ नहीं दिया, एंटमैन है जिसके ऊपर में सिटी पे ऑफ पेशेंस बोलते हैं, पेटियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको भगवान जाने, जो भी है दिया रखा है। सिटी पे रेज दिया लूनसनो को, सिटी पे रेज दिया है घोसाडा को, लेकिन देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, दे देना ज़रूर देना। उसके बाद में यहाँ पर मैं नल लॉक है, मतलब जस्ट अभी भी कुछ दिनों पहले हासिल किया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद में बेटा रेबल एनर्जी, मिस्टिक खाली है, मून नाइट खाली है, अब उसके बाद में यहाँ पर मूनस्टोन है भाई साहब के बाद में, पाया लगो मूनस्टोन मैडम। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर मैं मेडुसा है, इस तरफ में क्विक सिल्वर है, आज का सैटरडे है क्या, डोरमामू है, उसके बाद में एपोकलिप्स है, और नीचे में काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं जो टीयर 3 के लिए रेडी बाकी है, ठीक है धीरे धीरे करो इम्प्रूवमेंट। ना मुन्ना ना,
तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। तुम्हारी मीठी बातों से मुझे डायबिटीज हो जाएगी। अभिजीत वी आए, चलो जाके एक बार चेक कर लेते क्या चल रहा है अंदर। 20 मिनट का वीडियो हो गया लगभग, और कितने लोगों का आईडी चेक किया अभी तक मेरे को पता नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। इसमें से कौन है डिस्टर्ब कर रहा है? इसमें से सिर्फ एक ही प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, बाकी के सब नॉर्मल है और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्रोफेसर एक्स टीयर 3 अभी सीटीपी रेज वेरी गुड, मून नाइट को रेज दे रखा है, वांडा अभी भी अपग्रेड बाकी है, कैप्टन बाकी है, आयरन मैन को टीयर 3 कर रखा है, सेंट्री टीयर 3 है, बाकी और कैरेक्टर पेंडिंग है, थॉर है, ब्लैक विडो पेंडिंग है, लूनसनो पेंडिंग है, जेंग्रे पेंडिंग है, सिल्वर सर्फर पेंडिंग है, काफ़ी सारे कैरेक्टर के यूनिफॉर्म परचेस करने बाकी है। एक काम करो, तुम्हारे पास में जो कैरेक्टर है उनका लेवल 50-60 करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल लपेटो, जितना ज़्यादा लपेट सकते हो लपेटो, और उसका लपेट के कैरेक्टर की यूनिफॉर्म परचेस करना, और बाकी जो कैरेक्टर्स है उनकी मास्टरी जो है फुल करो, जैसे हेला है यहाँ पर मैं, उसके बाद में शूरी को टीयर 2 करो, उसके बाद में यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है तुम्हारे पास में जिनके लीडरशिप काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर मैं लिजर्ट है उसको टीयर 2 करके रख सकते हो, 6 स्टार करो, बाकी को टीयर 2 करो, 6 स्टार करो, उसको मास्टरी करो, उसकी लीडरशिप काफ़ी अच्छी काम आएगी सपोर्ट कैरेक्टर के तौर पे। ये जो तुम लोग अपनी आईडी दिखा रहे हो, मतलब मैं देख रहा हूँ, तो जब मैं इस लेवल का था तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता कि मेरे पास में जो यूज़फुल कैरेक्टर है या फिर जैसे कैरेक्टर है उनकी लीडरशिप में काफ़ी अच्छी लीडरशिप दी हुई है, जैसे कोई एटी के इंक्रेस करने का काम करता है, जैसे फिजिकल टैंक इंक्रेस कर रहा है या एनर्जी टैंक इंक्रेस कर रहा है, तो ऐसे वाले कैरेक्टर को जो स्पेशली मैं तो खुद उनको मास्टरी करके रखता था, बाकी जो ऐसे कैरेक्टर थे जैसे एमोडी जो जैसे कैरेक्टर उनको मैं मास्टरी नहीं करता था, बाकी जो कैरेक्टर जो मेरे काम आते थे उनको मैं मास्टरी करके रखता था ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनका यूज़ इस्तेमाल करके मैं शैडो लैंग के स्टेजेस में जा सकूं और वहां से बायोमेट्रिक्स ले सकूं। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास में ये अच्छी एबिलिटी है, तो तुम मास्टरी करो इन कैरेक्टर को और उनको बेहतर बनाओ। तुम आसानी से 9 स्टोन ले सकते हो डेली के, काफ़ी सारे स्टेजेस है, डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिक क्वेस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टेजेस है, वहाँ से भी तुमको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड है, अलायंस बैटल है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर और स्टेजेस है, जाओ जाके वर्क करो। और मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, लीडरशिप वाले कैरेक्टर सपोर्ट कैरेक्टर तो बना दिया मैंने, अब लीडरशिप वाले कैरेक्टर बचे और कुछ अलग टाइप के कैरेक्टर्स है उनके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। चलो फोकस करने में हेल्प, तुम्हें अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। 5 स्टार के कॉमिक कार्ड है, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, 6 स्टार और प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाने पड़ेंगे। अभी तुम न्यू प्लेयर हो तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए अभी ये सब चीज़ें करना और समझना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, लेकिन कोशिश कर सकते हो। इस तरफ में जो आईएसओट दे रखा है वो गलत वाला दे रखा है, तुमको आईएसओट जो है एंग्री ऑफ हल्क, पावर ऑफ एंग्री हल्क, हॉक आए और अपना ओवर ड्राइव, इन 3 आईएसओट बोनस में से सेट करते समय कोई भी 3 में से एक आ जाता है तो रहने देना है, सेट कर देना है, उसके बाद में दोबारा उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद में बाकी चेंजेस तो है ही नहीं, कुछ ज़्यादा खास अपग्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि तुम अच्छा अपग्रेड दो। ये CTP ट्रांसेंडेंस थॉर को नहीं देना है, थॉर को अगर तुमको अगर देना ही है ओब्लिस्क दे के चला सकते हो, या फिर CTP जजमेंट है, CTP रेज है, CTP एनर्जी है, ये CTP दे के भी काम चला सकते हो, लेकिन ये CTP मत देना। अगली बार से ट्रांसेंडेंस किसी भी कैरेक्टर को देने से पहले मेरे को पूछ लेना या मेरी वीडियो ज़रूर सर्च मार के देख लेना, बेस्ट कैरेक्टर फॉर ट्रांसेंडेंस, जाके सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ठीक है? इस पाप के लिए मारेगा तू। आई बटन में दे रहा हूँ, अच्छा माल है, इतने सारे लोग कितने सारी गड़बड़ करते रहे बाबा। सवीर 1991, इसके पास में भी सेम वही कॉमिक कार्ड है जो कि इसके पहले के प्लेयर्स का मैंने चेक किया था, आधे से ज़्यादा कैरेक्टर तो टीयर 2 है, उसके बाद में टीयर 3 कैरेक्टर है भी नहीं। तो मैं बस इतना ही रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारे पास में जो कैरेक्टर है उसके यूनिफॉर्म परचेस करो एंड उनको टीयर 3 के लिए रेडी करो। सीसी अप लाना कोई आसान काम नहीं है, भी मैं अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं भी ये एग्री करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से तुमको भी वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट खेल के कम से कम लो स्टेज खेल के टाइटन बुक और CCF लाने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारा गेम प्ले पहले से कई गुना ज़्यादा बेटर बन जाएगा और तुम्हारे पास में जो कैरेक्टर है वो भी पावरफुल बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? जाओ जाके ट्राई करो और जितनी भी हेल्प चाहिए सारे के सारे वीडियोस है। और यहाँ पे तुमने डेडपूल का GIF परचेस कर रखा है जो कि तुमने गलत जगह पे पैसे स्पेंड किए, मैं सही में मजाक नहीं कर रहा, मैं भी गाली मारने के मूड में हूँ।
ये यहाँ पर मैं फालतू पैसे वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पर मैं तुम कैरेक्टर के ऊपर में डेवलपमेंट करते या कुछ उनके ऊपर में चेंजेस करते, बड़ा अपग्रेड लेते या उनका यूनिफॉर्म परचेस करते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन ये GIF परचेस करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, दिस इज़ वेरी बैड, और तुमने टोकन का गलत इस्तेमाल किया है। क्या यार, अपने आप को क्या शो ऑफ करने में इतना पैसा क्यों स्पेंड करते हो मैं समझ नहीं आ रहा। तो आइंदा अपने टोकन का इस्तेमाल ना तुम सही चीज़ के लिए करो, रैंकअप टिकट के लिए करो, दूसरे और जो मटेरियल्स है उनके लिए करो, लेकिन ऐसे वाले फालतू के GIF परचेस करने में कभी भी वेस्ट मत करो। और जो भी तुमको बोल रहा है ना ये GIF परचेस करो बहुत कूल दिखेगा, ऑसम दिखेगा, लवड़ा लसन, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, शो ऑफ के चक्कर में अपने खुद का नुकसान मत करो। मैं इसके पहले भी काफ़ी बार ये समझा चुका हूँ, शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। आगे बाहुबली, तो बाहुबली को प्रणाम, पायलागू बाहुबली। तो ठीक है, ईयरफोन सही जगह पे है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं दो प्रीमियम कार्ड है उस पर अच्छे बोनस आ रहे होंगे। काफ़ी अच्छे बोनस तो नहीं है लेकिन एवरेज से बोनस है, ज़्यादा ओपी नहीं बोल सकता। बाकी तुम्हारे पास में लगभग 5 Tier 3 कैरेक्टर है जिनमें एक प्रीमियम कैरेक्टर है नेमोर, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाने पड़ेंगे, GBR खेलो, वहाँ पे जाके शिरोंग का इस्तेमाल करो, स्टारलॉर्ड का इस्तेमाल करो, कुछ और Tier 2 कैरेक्टर होंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, कैप्टन मार्वल होगा, लूना स्नो होगी, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी कुछ उसका जुगाड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ तरीका तो निकाल ही लेंगे। तो ये सब कैरेक्टर का इस्तेमाल करो, GBR खेलो, वहाँ से प्रीमियम कॉमिक कार्ड टोकन हासिल करो, और वहाँ से कैसे भी करके प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाओ और कैरेक्टर में सेट करो, कार्ड के सेक्शन में सेट करो, अपग्रेड करके काफ़ी अच्छा तुमको बोनस मिलेगा, तो तुम्हारे कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। CTP रेस देना चाहिए था नेमोर को, ना कि डिस्ट्रक्शन, मिस्टेक अगेन। CTP ट्रांसफर ने यहाँ गलत कैरेक्टर को दे दिया, गलत आईएसओट बोनस दे रखा है, चेंजेस करना और ये CTP निकाल लेना। अभी अपडेट आएगा RMI का तो उसमें देखो, अगर तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा क्रिस्टल होंगे डिस्काउंट आएगा, CTP रिमूव का 50% आता है, 300 क्रिस्टल में हम लोग निकाल पाते हैं, तो अगर वो डिस्काउंट आता है तो उसमें डिस्काउंट में यहाँ से अपना ट्रांसेंडेंस निकाल देना, ठीक है, ये गलती दोबारा मत करना। अभी बहुत हो गया, अब सबर नहीं होता, छोटे उस्ताद साला CTP ट्रांसेंडेंस का इतना बड़ा वीडियो बनाया मैंने, कोई देखता नहीं है, कि यही रीज़न है कि लोग नहीं देखते इसलिए इतने ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, सारा लोग फेंकाते यार, सही में लोग सही में मिसलीड करते लोग। अब बड़े अपने आपको यूट्यूब पर बोलने वाले हैं, सारा पूरा मिसलीड कर रखा है, मन तो कर रहा है कि सबको एक एक पनिशमेंट कर दूँ CTP ट्रांसलेंस गलत कैरेक्टर के ऊपर में सेट करने के लिए। इधर और अपग्रेड की जरूरत है, एक भी Tier 3 कैरेक्टर नहीं है। फोकस करने में हेल्प, तुम्हें अपग्रेड की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरा देखो प्लान सुनो, अभी क्या करना, प्लान ये है कि शिरोंग जैसी जो कैरेक्टर है उसको पहले Tier 3 करो, ISOT तुमने अच्छा दे रखा है, बाकी के अपग्रेड भी तुमने अच्छे दे रखे, आई होप कि उसके अंदर में कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ना हो, नहीं है बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, ऐसे अपग्रेड बाकी कैरेक्टर के साथ में भी करो। शिरोंग का लेवल 66 किया तुमने, उसको 70 तक करो, उसके बाद में उसको Tier 3 के लिए लेवल अप कर लो, Tier 3 एक बार हो गई, उसके बाद में बाकी कैरेक्टर बड़े तेज़ी से तुम्हारे Tier 3 होना शुरू हो जाएंगे। वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के कम से कम Level 1 और Level 2 ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की कोशिश करो, वहाँ से कैसे भी करके CCF मटेरियल, टाइटन कंपोनेंट पैक, डिमेंशन डस्ट और ये सब जो चीज़ें हैं, टाइटन बुक रिकॉर्ड, स्पीड, यूनिवर्सल कॉम्बैट और ब्लास्ट, सब चीज़ें लाके कलेक्ट करके रखो और एक एक करके जो कैरेक्टर है उनको Tier 3 करो। यहाँ पर मैं तुम्हारे पास हल्क है, शेरॉन है, ब्लैक विडो है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, इनको Tier 2 करके इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ऑब्लिस के ऑब्लिस चलाओ, जो भी चलता है चलाओ और उनसे बेस्ट बनाओ, और फालतू के GIF कभी भी परचेस मत करना, टोकन का सही इस्तेमाल करो और रैंकअप टिकट को खरीदो, वो ज़्यादा बेटर काम आएंगे तुम्हारे फ्यूचर में, इमरजेंसी के वक्त तो रैंकअप टिकट ही काम आते हैं। अच्छा आगे 3 प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, उसके बाद में यहाँ पर मैं
एपोकोलिप्स है, केबल है, जेन है, डेडपूल है, साइक्लोप है, प्रोफेसर एक्स है, कैप्टन अमेरिका है, उसके बाद में शेरॉन है, यहाँ पर में स्टार लॉर्ड है, ब्लैक विडो है, लूना स्नो है, कैप्टन मार्वल है, काफ़ी अच्छे अच्छे CTP दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर को, काफ़ी सारे रियथी कैरेक्टर है, लोकी भी है, लोकी को भी CTP रेज दे रखा है, घोसाडर को CTP ऑफ जजमेंट दे रखा है, बेटरबल को ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, ओडिन भी TA3 पेंडिंग है, हल्क भी TA3 पेंडिंग है, आयरन मैन भी पेंडिंग है, बेस्ट ऑफ लक ब्रोस। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। 69 दो प्रीमियम कॉमिक कार्ड है जो कि पहले मेरे पास भी थे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे TA3 कैरेक्टर है, मैग्नेटो, साइक्लॉप है, नेमोर है, केबल है, ओडिन है, सिल्वर सर्फर है, जेंग्रे है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है तुम्हारे पास में, कैप्टन है, शेरॉन है, स्टार लॉर्ड है, लूनस में, कैप्टन मार्वल है, घोसाडर है, लोकी है, उसके बाद में सेंट्री भी है, नल भी है, क्या बात है। अपग्रेड तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन काफ़ी अच्छे अपग्रेड दिया हो गया, आई होप गलत कैरेक्टर को गलत CTP तो नहीं दे रखा है, इतना नॉलेज तो है तुम्हारे पास में, वेरी गुड। ये न्यू प्लेयर्स के इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक दिया, मिस्टेक्स। हर्ष जी का ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है, चेतन 4432 का मैंने भी ऑलरेडी चेक किया हुआ है, लेकिन एक बार और नज़र मार लेता हूँ। तीन प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, उसको कॉमिक कार्ड को और ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ बोनस है, कुछ बोनस नहीं है, वो अपग्रेड करने पड़ेंगे। सेंट्री है, सिल्वर सर्फर है, उसके बाद में जेंग्रे है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसके बाद में डेडपूल है, डेडपूल के बाजू में डॉक्टर स्ट्रेंज है, शेरॉन के, ठीक है मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं। इस तरफ में यह है, डेडपूल है, उसके बाद स्टार लॉर्ड है, लूना स्नो है, CTP रेज के साथ में, वेरी गुड। इस तरफ में ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर बना रखे हैं, मेडिस्टो भी है, एपोकलस भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, करो धीरे धीरे अपग्रेड। ICID लिखने में तकलीफ नहीं जाती क्या मेरे भाई? स्पाइडरमैन का प्रीमियम कॉमिक कार्ड, ठीक है, साइक्लोप TA3 है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर TA3 है। साइक्लोप है, अपना कैप्टन अमेरिका शनोजस है, कैप्टन है, इस तरफ में आयरन मैन है, स्टार लॉर्ड है, ब्लैक विडो है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, पर कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही OP वाला CTP दे दिया, उसके बाद में घोसाडर, यहाँ पर मैं CTP ऑफ रेज देना चाहिए था, या जजमेंट भी होता तो भी चल रहा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। उसके बाद में कि और चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत अपग्रेड बाकी है। तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है, फोकस करने में हेल्प होती है, तुम्हें अपग्रेड की बहुत जरूरत है। कैरेक्टर 50-60 लेवल कर लो, काफी सारे कैरेक्टर के क्रिस्टल मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिलेंगे तो यूनिफॉर्म परचेस करके काफी सारे कैरेक्टर को ताकतवर बना देना, ठीक है, यूनिफॉर्म सेल आएगा तो बता दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं दो प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, उसके अंदर में और बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे, माना कि तुमने यहाँ पर क्राफ्ट कर रखा है, लेकिन क्राफ्ट करने से उतने अच्छे बोनस नहीं आते जितने प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाने से आते हैं, और आने के बाद में उसको क्राफ्ट कर तो और ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, आ गया। चलो आगे की बात कर लेता हूँ। इस तरफ में 52% का ऑल अटैक है, 30% का एनर्जी अटैक है, फिजिकल अटैक 0 है, इग्नोर डिफेंस 22 है, मैक्स HP 12, और भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, पहले मैंने बोला था केबल TA3 है, जेंग्रा TA3 है, डॉक्टर स्ट्रेंज TA3 है, अथॉरिटी एनर्जी अथॉरिटी, डेडपूल डिस्ट्रक्शन के, साइक्लोप ऑब्लिस्क, प्रोफेसर एक्स CTP रेड चाहिए था, नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मैं CTP रेज निकाल के, मतलब इसको तो दिया,
ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि इसको दिया, पर इसको देना चाहिए था ना, ये उससे ज़्यादा पावरफुल है यूनिवर्सल कैटेगरी में, ऊपर से टियर 3 है। ठीक है, और एक मिल जाएगा तो घोसाड़ा को दे देना, बाकी और कैरेक्टर पेंडिंग है, प्रीमियम कैरेक्टर भी है तुम्हारे पास में। जस्ट 55 के पास में 3 प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, एक प्रीमियम कॉमिक कार्ड ये वाला है और एक भी कॉमिक कार्ड क्राफ्ट किए हुए नहीं है। रिजनरेशन है, थानोस को अथॉरिटी, जेन को ग्रिड, डॉक्टर शंश को अथॉरिटी, कैप्टन को इंसाइट दे दिया। भाई इसको इंसाइट नहीं देना है, इसको कुछ और देते तो बेटर होता। क्या हुआ? सिटी भी एनर्जी ला लेना, शिरोन को दे देना, शिरोन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है विथ सिटी पी एनर्जी, गलत कैरेक्टर को गलत सिटी पी, और बहुत से अबे साले। बहुत हो गया, अब सबर नहीं होता। छोटे उस्ताद, अब मेरी सटक रही है। और ये गलत कैरेक्टर को गलत सिटी पे दे दिया, अगेन सेम चीज रिपीट। भाई ऐसा क्यों करते हो यार, तुम लोग वीडियोस क्यों नहीं देखते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पल्ली नहीं पड़ रहा मेरे। अब मेरी सटक रही है, अलायंस वालों को निकालना पड़ेगा, जिसने मिस्टेक किया ना उसको बाहर निकालता हूँ, पहले बोलूंगा वीडियो देख के आओ तभी आने दूंगा अंदर, ऐसे करना पड़ेगा। सिटी भी एनर्जी देना चाहिए था डेडपूल को, ये यूनिफॉर्म के साथ में तुमने यहाँ पर इंसर्ट दे रखा है, क्या बेवकूफी है ये यार, हो और तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। हद है यार, फोकस करने में हेल्प होती है, तुम्हें अपग्रेड की बहुत जरूरत है। जस्ट मेरे भाई इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक करोगे तो लोग जूते मारेंगे, तो कृपया करके ऐसी बड़ी मिस्टेक मत करो, ठीक है, अगली बार से ये ध्यान रखना। कॉमिक कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी 5 टीयर 3 कैरेक्टर है, सिल्वर सर्फर है, नेमोर है, आयरन मैन है, उसके बाद में स्टार लॉर्ड है, यहाँ पर में ब्लैक विडो है, मिस्टिक है, अवेकन में और भी बहुत कैरेक्टर आने बाकी है, टीयर 3 घोस्टाडर बाकी है, अभी भी डेडपूल बाकी है, यूनिफॉर्म तो ले लिया लेकिन अभी भी पेंडिंग है, शेरॉन भी पेंडिंग है। शेरॉन जैसे कैरेक्टर को टीयर 3 करो यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसको टीयर 3 करो, बहुत काम आएगी, फोकस करने में हेल्प, तुम्हें अपग्रेड की बहुत ज़रूरत है। चार प्रीमियम कॉमिक कार्ड, काफ़ी अच्छे बोनस आ रहे हैं, नल भी है, स्कारलेट विच भी है, क्विकसिल्वर भी है, सिल्वर सर्फर भी है, थानोस भी है, एपोकलिप्स भी है, केबल भी है, वाह वाह क्या अपग्रेड दिया, वाह 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 वाह। वोल्वरिन को ट्रांसेंडेंस नहीं देना है, वोल्वरिन को देना नहीं तुमको कुछ और दे सकते हो, लेकिन ट्रांसेंडेंस नहीं, ऊपर से ट्रांसेंडेंस रिफोर्ज किया हुआ दे हुआ है, एडिशनल पियर्सल डैमेज 4% का वगैरह वगैरह वगैरह, क्या भाई साहब इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो। और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो पेंडिंग है, विकांत रेड्डी, मेरे से चेक नहीं किया मैंने, नहीं चेक किया था मैंने, अभी तो चेक करके गया था, और भी बहुत सारे कैरेक्टर पेंडिंग करने का, रोहित का ऑलरेडी चेक कर दिया मैंने, एजेंट हमीद चेक करते एक बार। 3 प्रीमियम कॉमिक कार्ड, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, खाली 3 ही कैरेक्टर टीयर 3 है, एक अवेकन है,
इसमें शेरॉन टीयर 3 है विथ CDP एनर्जी, एनर्जी के अंदर 200% का डैमेज ब्लॉक, स्टारलॉर्ड का ओब्लिस्क, इस तरफ में ब्लैक विडो को जजमेंट दे रखा है, गलत कराटे वगैरह सिटी भी। CTP रेज निकाल के किसी और को देना था, घोसाड़ा को देना था, हल्क को नहीं देना था, ये क्या ही गड़बड़ है यार। जैसा देखता हूँ ना इतना बुरा फील होता है कि क्या बताऊँ। और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरा भाई, मिस्टेक की आई एग्री, लेकिन और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है तुम्हारे पास में, CTP सही जगह लगाओ। ये CTP का बहुत लफड़ा हो रहा है आजकल, CTP उरू आईसोएट इन सब का बहुत लफड़ा है, लगता है इन लोगों को ज़बरदस्ती वीडियो दिखाने पड़ेंगे कुर्सी पर बांध के। एक वीडियो निकला था काफ़ी साल पहले, किसका नाम था वो, क्या नाम था स्कूटर वाली, क्या नाम था उसका, ढिंचक पूजा, उसका गाना कुर्सी पर बांध के लोगों को दिखाया था, ज़बरदस्ती पनिशमेंट मिली थी एक बच्चे को, वैसी वाली पनिशमेंट लगता देना पड़ेगा। ट्रेन चाक पूजा का गाना गाऊ गया जान दो, मूड ख़राब हो जाएगा। कॉमिक कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कूल डाउन ड्यूरेशन 20% के आसपास में, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। डॉक्टर शेंज का नया वाला यूनिफॉर्म लेना, लेकिन अभी नहीं, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने के बाद में, तब तक ये यूनिफॉर्म से काम चलाओ। इसके बाद में शेरॉन को एनर्जी दे रखा है 160 के प्रॉक के साथ, इसका जो डैमेज प्रॉक है वो और अपग्रेड करो। घोसाड़े को CTP रेज देना, अगर रेज तुमको मिलता है तो ज़रूर देना, मेरे पास भी रेज मिलने का है, मैं भी रेज मिलने की राह देख रहा हूँ, जैसे ही रेज मिलेगा मैं उसके ऊपर मैं चढ़ा दूंगा। और बाकी और कैरेक्टर पेंडिंग है, ठीक है करते रहो धीरे धीरे अपग्रेड। उसके बाद में मूसा बीबा ID दी थी, मेरे को पता है मैंने लिखा हुआ है, 2 प्रीमियम कॉमिक कार्ड, बाकी के कॉमिक कार्ड में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, कुछ और बोनसेस लाने पड़ेंगे, काफ़ी सारे बोनसेस कम है और रेसिस्ट कुछ ज़्यादा ही है। डिस्ट्रक्शन सिल्वर सर्फर, उसके बाद में शेरॉन है, शेरॉन को क्या देखा जा रहा देखो तो सही, 180 का प्रॉक चल जाएगा, CTP रेज देना चाहता लूनसनो को, कैप्टन मार्वल को डिस्ट्रक्शन, घोसाड़ा को देना था CTP रेज, और काफ़ी सारे कैरेक्टर के ऊपर में पेंडिंग है, ठीक है करो धीरे धीरे अपग्रेड और गेम में आगे बढ़ो। कॉमिक कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रीमियम कॉमिक कार्ड लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छे टीयर 3 कैरेक्टर हैं, डेडपूल, कैप्टन शेरॉन, स्टारलॉर्ड, ब्लैक विडो, यूना स्नो, कैप्टन मार्वल, काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो है लेकिन अपग्रेड थोड़ा एक बार चेंज चेक कर लिया जाए, जिसमें CTP एनर्जी दे रखा 200% के साथ में, वेरी गुड। इस तरह में कैप्टन दे रखा डिस्ट्रक्शन, ठीक है डिस्ट्रक्शन कितने साल का है, 180 का चल जाएगा, इसको डैमेज प्रॉक दो ऑब्लिस्क में, या फिर CTP एनर्जी मिलेगा तब देना, इधर CTP रेज लगाना, यहाँ पर मैं CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा तो कैप्टन मार्वल को चढ़ाना, अगर रहेगा तो, अगर CTP रेज एक्स्ट्रा आता है तो बहुत से कैरेक्टर है CTP रेज के लिए, ये सही रिवॉर्ड ना मिलने के नतीजे है, ये गलती होगी। यहाँ पर मैं CTP ऑफ पेशेंस होना चाहिए था स्पाइडरमैन के ऊपर में, या फिर ऑब्लिस्क भी होता स्पाइडरमैन के ऊपर में तो भी काम चल रहा था। ओडिन को रेज, और भी बहुत अपग्रेड बाकी है, एक प्रीमियम कॉमिक कार्ड केबल वाला जिसको क्राफ्ट किया हुआ है 1 स्टार के साथ में, काफ़ी सारे टीयर 3 कैरेक्टर है, केबल टीयर 3 है, डॉक्टर स्ट्रेंज टीयर 3 है, डेडपूल टीयर 3 है, और अब मेरी सटक रही है साले कर देना गलती, ये CTP ट्रांसेंडेंस डेडपूल को नहीं देना है, ऐसा कौन सा वो यूट्यूबर है जिसने तुमको ये चूतिया लगाया है, चूतिया बनाया है, कौन है वो यूट्यूबर जरा उसका नाम तो मेरे को बताना। CTP ट्रांसेंडेंस डेडपूल को देने के लिए किसने बोला था, कौन है वो गधा, डेडपूल को देना है तो CTP एनर्जी दो, ट्रांसेंडेंस नहीं, निकाल के फेंको ये CTP, और ये CTP निकालने के चक्कर में तुमको भी 600 का नुकसान होगा।
वाईफाई चालू कर, वाईफाई चालू कर, हटा इसे। कर दी ना गलती। हद है यार। सेम मिस्टेक अगेन। वाईफाई चालू कर, वाईफाई चालू कर, हटा इसे। कर दी ना गलती। इस पाप के लिए मारेगा तू। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक। कैप्टन को ऑब्लिस्क देते या कुछ और देते, डिस्ट्रक्शन देते, चल जाता, लेकिन ये देने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ? यार इतने अच्छे अच्छे सीटीपी ऑफ एनर्जी ऐसे कैरेक्टर को दे रखे जिसकी थोड़ी मार्केट में वैल्यू कम है। जैसे आयरन मैन की वैल्यू अभी कम है, लेकिन अपडेट आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसे सीटीपी तुम सही जगह नहीं लगा रहे हो, गलत कैरेक्टर में डाल रहे हो। मतलब इसका मैं क्या मतलब निकालूं मैं? आईसेट भी एकदम गलत वाले बोनस दे रखे। इधर भी आईसेट गलत वाले दे रखे। पावर ऑफ हल्क, एंग्री ऑफ हल्क, उसके बाद में ओवरड्राइव, हॉकाई, ये सब आईसेट बोनस देने हैं ब्लैक विडो को, आयरन मैन को, स्टार लॉर्ड को, नुनस्नो को, काफ़ी सारे कैरेक्टर है। इन तीन आईसोट बोनस में से कोई भी आईसोट बोनस आ गए तो काफ़ी अच्छे कैरेक्टर बन सकते हैं। कॉमिक कार्ड लाओगे ना तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। घोस्ट राइडर को सीटीपी ऑफ रेज देना है, ना कि ट्रांसेंडेंस। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। अब मेरी सटक रही है। मैंने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती, कत्लेआम की, लेकिन इस काम में कभी मजा नहीं आया। कर दी ना गलती। वाईफाई चालू कर, वाईफाई चालू कर, हटा इसे। इस पाप के लिए मारेगा तू। ऐसी बेवकूफ़ी करोगे, इतने सारे टीयर 3 कैरेक्टर है लेकिन मिस्टेक सबसे ज़्यादा है। माना कि कुछ प्लेयर के मैंने चेक किया था, लेकिन उनमें इतने सारे कैरेक्टर टीयर 3 नहीं थे, लेकिन सही से अपग्रेड दिए थे, सही सीटीपी दिए थे, सही ऑब्लिस्क दिए थे। भले डैमेज प्रॉक कम था, लेकिन कम से कम उन्होंने मिस्टेक कम की थी। यहाँ पर तुम्हारे पास में इतने सारे टीयर 3 कैरेक्टर रहने के बावजूद इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही है, मैं क्या बताऊँ अभी तुमको। सेम मिस्टेक अगेन। सीटीपी ट्रांसेंडेंस बेटा, अगर तुम्हारे पास में तुमको मिलते हैं ना एक्स्ट्रा, तो उसको संभाल दो या फिर रिफोर्ज करने में डाल दो। लेकिन किसी कैरेक्टर को देने में गलती मत करो, उन्हीं को दो जो सीटीपी ट्रांसेंडेंस को धारण करने लायक है। सीटीपी ट्रांसेंडेंस के ऊपर में वीडियो बनी है, जाओ जाके देख लो, नहीं देखी होंगी तो। और पहला काम वही करना, सीटीपी की सारी वीडियोज़ देखना। मैं इसको प्लेलिस्ट को अभी बढ़ाता चूँ, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ अभी जबरदस्ती का। रुको, सब्सक्राइबर में पहलता हूँ जबरदस्ती। इतने सारे कैरेक्टर है, इतने सारे यूनिफॉर्म ले रखे हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक सबसे ज्यादा। दो प्रीमियम कॉमिक कार्ड, कैप्टन टीयर 3 है, हल्क टीयर 3 है, शेरॉन टीयर 3 है, उसके बाद में थॉर टीयर 3 है। सीटीपी एनर्जी दिया होता या फिर जजमेंट या रेज दिया होता थॉर को तो ज़्यादा अच्छा होता। थॉर का ये वाला यूनिफॉर्म काम का नहीं है। हल्डर थॉर का ये जो नया वाला यूनिफॉर्म आया हुआ है, जिसमें थॉर ने म्यूनियर को पकड़ा हुआ है, वो वाला जो यूनिफॉर्म है वो काफ़ी तगड़ा है। उस यूनिफॉर्म को परचेस करना क्रिस्टल कलेक्ट करके। शेरॉन को सीटीपी एनर्जी देना विद न्यू यूनिफॉर्म। उसके बाद में इमोर्टल हल्क को रिफाइनमेंट दिया हुआ चल जाएगा। कैप्टन को ऑब्लिस्क दिया, लेकिन उसके अंदर डैमेज प्रॉक देना। तुम अभी न्यू प्लेयर हो, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अच्छा अपग्रेड दो।
सिटी भी ऑफ ट्रांसेंडेंस ब्लैक कोडो को नहीं देना है। ब्लैक कोडो को तुम चाहो तो अथॉरिटी दे सकते हो, डिस्ट्रक्शन दे सकते हो, एनर्जी दे सकते हो, लेकिन ये वाली गलती मत करना प्लीज़। हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, कृपया करके ऐसी गलती ना करें। तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। कॉमिक कार्ड में अपग्रेड की ज़रूरत है। इस तरफ में एक भी टीयर 3 कैरेक्टर नहीं है, न्यू प्लेयर हो, 3D करके अपग्रेड करो। आरएमएन को अपग्रेड चढ़ा रखा है लेकिन गलत आईसोट बोनस दे रखे। इस तरफ में कैप्टन का भी पुराना सूट है। शिरोंग को टीयर 3 करो, न्यू यूनिफॉर्म के साथ में आईसोट चढ़ाओ। उसके बाद में ओब्लिस्क में डैमेज प्रॉक दो या CTP एनर्जी होगा तो CTP एनर्जी दो। काफ़ी अच्छे कैरेक्टर है तुम्हारे पास में लेकिन टीयर 2 है। थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके अपग्रेड करो और एकदम से सेंटर के पीछे मत भागो। सेंटर के पीछे भागना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चार प्रीमियम कॉमिक कार्ड लेकिन फिर भी 5 Tier 3 कैरेक्टर है इतने प्रीमियम कॉमिक कार्ड रहने के बाद भी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में प्रीमियम कॉमिक कार्ड कम है लेकिन उनके पास में काफ़ी अच्छे Tier 3 कैरेक्टर है विथ रॉन्ग CTP। कंपेरिजन देखो तुम लोग। आई एम ऑल्सो ग्रुप डे रखा है। शुरंग को एनर्जी दे रखा है 200% के डैमेज प्रॉक के साथ में। ब्लैक वडो को ऑब्लिस्क दे रखा है। इस तरफ में घोसाटा को देना था रेज, नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन फ्यूचर में आएगा तब देना। उसके बाद में काफ़ी सारे कैरेक्टर पेंडिंग है। तीन प्रीमियम कॉमिक कार्ड, उसके अंदर में बाकी के काफ़ी सारे कैरेक्टर Tier 3 है। यूनिफॉर्म लेना बाकी है, यूनिफॉर्म ले लेना और कुछ चेंजेस कर ले तो वो भी कर लेना। यूनास्नो को रेज देना, गोसाड़ को जजमेंट दे रखा, ठीक है चल जाएगा। CTP एनर्जी शेरोंग का नया वाला यूनिफॉर्म ले लेना। उसके बाद में जेंग्रे को चला देना, जैसे चलाना है चला। उसके बाद में डॉक्टर शेंज का, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़े बहुत इस्तेमाल देखना और अच्छे वाले ऑब्लिस्क लाओ, उसको कंबाइन करो अपग्रेड करो, जो करना करो। दो प्रीमियम कॉमिक कार्ड यहाँ पर भी अपग्रेड और चेंजेस करने पड़ेंगे। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। यहाँ पर मैं थोड़ा मेरे घर के पास में झगड़ा हुआ था तो जाके देखता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। बाकी जितने भी लोगों के आइडिया कल चेक कर दूंगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास पेड़ और पौधे को पानी दे एंड पानी को बचाए। पानी ही जीवन है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और वीडियो नहीं दिखती है तो वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें एंड कीप सपोर्ट एंड शेयर प्लीज़।